हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियोस प्लैनेट। वीडियोस प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका पैन खो गया है या आपने कभी अप्लाई किया था और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी ई पैन कॉपी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ उसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ऐप में जाइए। गूगल क्रोम ऐप देखिए, गूगल क्रोम ऐप है यहाँ पर आपका। ये रहा मेरा गूगल क्रोम ऐप, मैं ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम ऐप ओपन करने के बाद गूगल पे आप सर्च कीजिए NSDL, सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये नंबर 3 पे लिखा हुआ आ रहा है, ये नंबर 3 पे लिखा हुआ आ रहा है, ये टिन NSDL www.tinnsdl.com। इस वाले पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, फिर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। रीड करना है तो आप इसको रीड कर सकते हैं, वैसे कुछ करना खास नहीं है, इसलिए आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पैन न्यू फैसिलिटीज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पेपरलेस एड्रेस अपडेट इन पैन, रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, डाउनलोड ई पैन / ई पैन XML, पैन अलॉटमेंट इन द लास्ट 30 डेज। अगर आपने 30 डेज के अंदर कभी बनवाया है या कभी अपडेट करवाया है अपने पैन को, तो आप इजीली यहां से ई पैन कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड ई पैन नंबर 3 वाले को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो ये मैंने अपना जीमेल ओपन किया हुआ है, ये देखिए इस तरह का आता है, ठीक है। ये देखिए पैन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसमें देखिए पूरा डिटेल होता है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की होती है आपने, सब कुछ शो करता है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मंथ डाल देंगे। ये था मेरा 28/5, मेरा 5वां महीना था, जनवरी फरवरी मार्च मई पे क्लिक। और ये था मेरा 1975, तो यहाँ से आप 1975 लिख लेंगे। और कैप्चा वाले कॉलम में आप कैप्चा फिल कर देंगे, ये लिखा हुआ 4W3DJ, जैसे कैप्चा में लिखा हुआ सेम टू सेम वैसे आप कैप्चा में कर देंगे। और एक बार डिटेल को आप रीवेरीफाई कर लेंगे और इसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको दिखा रहा है आपका पैन नंबर और मोबाइल नंबर जो आपने डलवाया था उसके लास्ट के 4 डिजिट दिखाता है, और जीमेल आईडी के भी लास्ट के दिखाता है, और पिन कोड दिखाता है आपका। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देता है, सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू रिसीव OTP। अगर आपको मोबाइल नंबर पे OTP लेना है तो आप मोबाइल नंबर पे OTP लेके भी कर सकते हैं, या ईमेल आईडी पे लेना तो आप ईमेल आईडी पे भी ले सकते हैं। और अगर बोथ दोनों पे चाहिए आपको OTP तो दोनों पे भी आ सकता है आपको। तो मुझे तो ईमेल आईडी पे चाहिए OTP, इसलिए मैं ईमेल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। तो टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है, और टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP नोटिफिकेशन आएगा आपकी मेल आईडी पे, जैसे कि देखिए मेरे को ऊपर आ गया है ये नोटिफिकेशन। इसमें आपको OTP होगा, OTP वहाँ फिल करना है आपको। देखिए ये मैंने डाल दिया है OTP, उसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। जैसे ही वैलिडेट करेंगे आप,
तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको, डाउनलोड ई पेन योर फ्री। तो आपको इसके लिए कुछ छोटी सी पेमेंट देनी पड़ती है ई पेन डाउनलोड करने के लिए। तो आप कंटिन्यू विद पेड ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। इसमें दो तरह के पेमेंट मोड हैं, ऑनलाइन पेमेंट मोड थ्रू पेटीएम वीज़ा कार्ड वगैरह, और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डेक्स। तो मैं बिल्डेक्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें आपको कुछ 8 रुपये 26 पैसे का अमाउंट देना पड़ेगा बस, और आपकी ई पेन कॉपी आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है, एक बार देख लीजिए आप। और इसको टर्म एंड कंडीशन नीचे है, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसीड टू पेमेंट नीचे लिखा हुआ है, प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, पेमेंट कन्फर्म पे कन्फर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, देखिए आप। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट और कैश कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू भी, और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं आप। तो मैं यूपीआई चूज़ करता हूँ, आपका जो जिससे मन करे आप उससे भी कर सकते हैं। मैं यूपीआई से क्लिक करता हूँ और मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये यूपीआई मांगता है आपका, यूपीआई जो भी हो आपका यूपीआई डाल सकते हैं आप। जो भी आपका यू पी आई हो आप डाल सकते हैं, जो मेरा है वो मैं डाल रहा हूँ। और ये इसलिए हाइड कर रखा है मैंने क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आप अपना डाल के इस पर आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपके फ़ोन पे जहाँ पे भी है वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जाएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो मैं पे करता हूँ यहाँ से NSDL। ये आप पैसे से पे कर रहे हैं या आप NSDL को डायरेक्ट पे कर रहे हैं आप? ये प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ, देखिए प्रोसीड टू पे से क्लिक करेंगे आप। जौन से भी आपका बैंक अकाउंट है उसको चूज़ करेंगे आप और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद आपको अपना OTP डालना है, पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, और क्लिक कर देना है। तो ये पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगी, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई। देखिए NSDL बिल्डेक्स के लिए नाम पे कट गई है पेमेंट। पेमेंट वहाँ से कटने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा इसको अपडेट करने के लिए। तो इसको आपको बैक और रिफ्रेश नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा वेट करना है। ये अपने आप अपलोड कर देगा, देखिए अपलोड कर दिया। ये देखिए लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया है। देखिए डाउनलोड ई पेन ट्रांजेक्शन ID वगैरह आ गई है, जो भी कुछ है। देखिए जो 8 रुपये 26 पैसे का बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गई है आपको। यहाँ पे कंटिन्यू है, इस पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, आप भी क्लिक करिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, देखिए इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पेमेंट रिसिप्ट आपको डाउनलोड हो जाएगी। ये रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। आपका ई पेन आपको यहाँ पर मेल ID पे आ जाएगा। ये देखिए पेमेंट होने के बाद आपका पैन कार्ड की ई कॉपी आपकी मेल ID पे आ जाती है। देखिए लिखा हुआ है, ये आपके ऊपर पैन नंबर है यहाँ पर। और देखिए ये PDF आपको नीचे मिल जाएगा, देखिए PDF, इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही देखिए आपको ऊपर नोटिफिकेशन दिखेगा, ये डाउनलोड हो गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF पे ओपन कर लीजिए आप। ये फाइल प्रोटेक्टेड होती है, तो इसका पासवर्ड होता है जिस बंदे का आप डाउनलोड कर रहे हैं पैन, उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लीजिए 28/5/1975, उसमें दिन महीना साल जो भी होगा वो पूरा ही आएगा। ठीक है जी, जैसे कि मैं खोलता हूँ, पूरा डेट ऑफ बर्थ आएगा। पूरा डेट ऑफ बर्थ डालते ही जैसे ही खुल जाएगा, देखिए ये है आपकी ई पेन कॉपी। ये देखिए
ऐसी होती है जी ई पेन कॉपी, जो आपने 8 रुपये 8.5 रुपये पेमेंट करी है उससे आपकी ई पेन कॉपी आपको मिल जाती है तुरंत। इसको आप नीचे से क्रॉप करवा के कटवा के इसको प्रिंट प्रिंट भी करवा सकते हैं नीचे से देखिए, और नहीं भी कराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा काम करता है बढ़िया। ओके, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद आपका।